और इसी शाफेसर की गलियों में अल्ताफ के साथ आकर आपसे हमने कहा था कि हमें महाजन नाम पर एक एक बेटा हर घर से चाहिए, और लोगों ने दिए, लोगों ने अपने बेटे कुर्बान किए, और सिर्फ एक बेटा नहीं, लोगों ने कई कई बेटे कुर्बान किए। मैं लोगों से कहता हूं कि मैंने उन जनाजों में शिरकत की है जिस दिन ठाकुर उठा के लेके गया, सबने होठों में बैठ के मीटिंग की और अपने सर बचाने के लिए वफादारियां तब्दील की। तो जो शख्स अपने सर बचाने के लिए अपने बाप से गद्दारी कर सकता है, वो तुम्हारी कौम से कैसे वफादार हो सकता है? अगर तुम लोगों को यह बात समझ में नहीं आती कि जिनको आपने वोट दिया था वो असेंबली में जाकर तुम्हारी कौम के लिए क्या कर सकते हैं, जिन्होंने अपने मौसम के साथ वफा नहीं निभाई, ये वही शख्स था ना जिसके लिए टीवी में बैठ कर कह मेरे कायद के लिए अगर कुछ कहा तो मैं ये कर दूंगा, और आज उसी शख्स के कायद पे कहते थे ये गेंडे जैसा इसके अंदर डस्टबिन बनाओ तो कराची का पूरा पूरा चला जाए। कौन भाई, कहां गई वफादारी? आफाक ने कभी अल्लाह हुसैन की शख्सियत के ऊपर बात नहीं की, लेकिन ये कहा नजरिया आज अपने आप को लीडर कहते हैं, अल्लाह को गवाह बनाकर कहना कि किसकी वजह से कौन अल्लाह की बगल में खड़े होकर फोटो बनवाता था, कौन अल्लाह से अपने सर पे हाथ रखवाता था, कौन लोग ऐसे हैं कि जो खुद अपनी जाती हैसियत के अंदर इतने बड़े 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 वो लीडर बने, सब ने अल्लाह हुसैन की वजह से अपने पद बनाए, सब ने अल्लाह के नाम पर सियासत की। तुम्हारा इख्तिलाफ जाती था, तुम्हारा इख्तिलाफ अपने सर बचाने की वजह से था, तो मालूम है कि अगर महाजन अवाम वोट डालेगी तो सिर्फ महाजन नाम पर वोट डालेगी। आज वो लोग जो ये कहा करते थे कि महाजन सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दिया, आज महाजन नारा लगाए बगैर तुम्हारे इलाकों में आगे कोई प्रोग्राम कर सकते, जो अपने आप को कहा करते थे मैं महाजन सियासत को गाली समझता हूँ, मैं महाजन सियासत के ताबूत में आखिरी किल ढूंढने के लिए आया हूँ, यही कहते थे मैं सब। आज सब मजबूर है, लेकिन मुझे ये बताइए कि अल्ताफ हुसैन ने जब मुत्तहदा बनाई तो क्या पंजाब से एक मौसम जीता? लेकिन मुझे सिर्फ ये बताइए कि आपके साथ जो कुछ हुआ किसी कौम ने कभी दुख का इजहार किया? मैं आप ही लोगों से सवाल करता हूं, मैंने कहा है कि मैं अल्ताफ हुसैन से मेरा कोई सियासी रिश्ता नहीं, क्योंकि मैं जब बात करता हूं तो लोग ये ना समझे कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन उसके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो तो मेरी कौम के लोग हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई हैं, वो अल्ताफ के साथ जुड़े हुए मेरी कौम से अलग तो नहीं हो जाएंगे। मेरी कौम के बच्चे अगर अल्ताफ के साथ अपनी वाबस्तगी की बुनियाद पर हॉट्स पेपर कहीं गाना सुन रहे हैं, उस हॉट्स पेपर गाने की कहीं सोशल मीडिया पर छोटी सी क्लिप चल गई, उस क्लिप से उन बच्चों को उनके वालिदैन को ट्रेस करके उनको गिरफ्तार कर लिया, इस शहर में तुम कत्ल हो रहे हो, तुम्हारे खानदान के लोग कत्ल हो रहे हैं, तुम्हारे भाई कत्ल हो रहे हैं, तुम्हारे बुजुर्ग कत्ल हो रहे हैं, बाप बेटा एक साथ कत्ल हो गया, कोई एक शख्स गिरफ्तार हुआ सिर्फ इसलिए कि आप कमजोर हो, आपकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं, जिनको आपने अपना समझा था, जिनको आपने वोट डाले थे, खुदा की कसम हर चीज के ऊपर पैसे वसूल किए उन्होंने, हर इकदाम पर पैसे वसूल किए, अगर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन से बायकॉट किया था उसके पैसे वसूल किए, अगर सेनेट के अंदर वोट डाला उसके पैसे वसूल किए, अगर मर्दमशुमारी को तस्लीम किया और अमीन उल्लाह साइन करके उसके पैसे लिए, हर चीज पर पैसे वसूल किए, तुम्हारी कौम का जगह जगह बार 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 सौदा होता था, आज भी आपकी गलियों में फिर आएंगे इलेक्शन के वक्त, और फिर अगर आपसे महाजन नाम पर वोट मांगे, फिर आपसे कहेंगे कि महाजन कौन के लिए हम सबको हमारी आवाम में जरूरत है, तुम्हारी आवाम में जरूरत किस बात की? सिर्फ सौदे करने के लिए वहां पर बैठे इमरान ने कोटा सिस्टम गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए मुसल्लत कर दिया तुम्हारे ऊपर, कौन बैठा हुआ था असेंबली में? आफाक नहीं था, आफाक को तुमने वोट नहीं डाले थे, जिन्हें तुमने असेंबली में भेजा था उन्होंने बैठ के साइन किए उनके ऊपर, कहां गई कौन पर, कहां गए नौजवानों के मुस्तकबिल का सवाल, कहां गया अपने कौम के मुस्तकबिल की फिक्र कि इस कोटा सिस्टम को तुम गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए दोबारा से मुसल्लत करवा रहे हो, खुद साइन करके आ रहे हो, इस कौम का सौदा करके आ रहे हो, उसके बाद तुम ये कहो कि हम महाजन कौम के हमदर्द, हम महाजन कौम के नुमाइंदे, हमेशा सौदा
हमेशा इस कौम की बीच में छुरा दो। और फिर मैं लोगों से ये कहता हूं कि भाई जिन पे तुम भरोसा करते हो नस्ल पहचानने की कोशिश करो, एहसान फरामोश, अपने मालिकान को अदब से हमारा सलाम कहकर ये कहना कि ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं है। मसरूफ हम बहुत लेकिन बेखबर।